हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपना सोल पर्पज पूरा कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहती हूँ और वो बात ये है कि अभी सावन चल रहे हैं और सावन में भगवान शिव जी की हम सभी लोग आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग व्रत भी रहते होंगे, तो मैं आप लोगों से एक ये बात शेयर करना चाहती थी कि मैंने अपने पड़ोस में एक आंटी को देखा कि वो पूजन के बाद बिल्व पत्र जो थे उनको उन्होंने डस्टबिन में डाल रखा था और वो उन बिल्व पत्र को बाकी के कचड़े के साथ कचड़े वाली गाड़ी में डाल रही थी। तो मुझे ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि हमारे इंडिया में अभी बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां उनको ये नहीं पता है कि पूजन के बाद बची हुई पूजा की जो सामग्री होती है, जिसको हम भगवान की प्रतिमा से उतारते हैं, उस सामग्री को हमें कहाँ रखना चाहिए या उसका हमें क्या करना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो पूजन सामग्री होती है जो पूजा के बाद हम भगवान की प्रतिमा से उतारते हैं या फिर दिए की बाती है जो हम अगले दिन हटाते हैं दिए से, तो उन सब चीज़ों को हमें कहीं विसर्जित करना चाहिए, या तो किसी नदी में जो बहती हुई नदी हो उसमें इन चीज़ों को विसर्जित कर दें या फिर अपने घर की छतों पर डाल दें। लेकिन प्लीज़ डियर फ्रेंड्स, कभी भी इन सामग्रियों को आप लोग कचड़े के डिब्बे में ना डालें, क्योंकि ऐसा करने से हमने जो भी रिचुअल्स किए होते हैं उनकी हमें सिर्फ 50% ब्लेसिंग्स ही मिलती हैं और ये एक तरीके से अपमान भी होता है हमारे डिवाइन का। दूसरी बात ये है कि मैंने एक शॉप देखी, उस शॉप पे मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगी वो ये थी कि उन्होंने जहाँ अपना डस्टबिन रख रखा था वहाँ पर उन्होंने भगवान गणेश जी, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की एक फ़ोटो लगा रखी थी। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे मेरा एक निवेदन है कि आपके मन में बहुत आस्था है भगवान के प्रति, तो ऐसा करें कि कोई छोटी सी फ़ोटो लें और किसी ऊंचे स्थान पे, ऊंची जगह पर लगाएं, और अगर ऐसा नहीं संभव हो पाता है तो सिर्फ अपने हृदय में उनको स्मरण करके उनकी पूजा करें। उनको भाव पसंद हैं, वो भाव की पूजा मांगते हैं। ऐसा ना करें कि उनकी फ़ोटो या उनकी प्रतिमा को डस्टबिन के पास लगाएं या नीचे जहाँ पर लोग अपने शूज़ वगैरह रखते हैं ऐसी जगह पर लगाएं। ऐसा ना करें मित्र, क्योंकि ये एक तरीके से अपमान है हमारे देवी देवताओं का। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि सभी बहुत समझदार हैं, लेकिन ये दो चीज़ें देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत से हमारी जनरेशन में ऐसा है कि जो हमारे नए बच्चे हैं या बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, कहाँ पर भगवान की प्रतिमा लगानी चाहिए, कहाँ फ़ोटो लगानी चाहिए। तो उन सभी के लिए ये एक छोटा सा मैसेज है मेरी तरफ से कि प्लीज़ भगवान को उच्च स्थान दें अपने जीवन में और उनकी प्रतिमा से उतारी हुई जो भी मालाएं हैं, बेलपत्र हैं, उन सब को किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित करें। और आई होप कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों में, जिससे कि बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी मिल सके कि अपनी
घर की जो भी पूजन सामग्री है, जो बच जाती है पूजा के बाद, उसको या तो किसी मंदिर में रखाएं अगर उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो विसर्जित भी कर सकें, तो वो आप लोग मंदिर में रखाइए। मंदिर में रखने से क्या होगा कि जो भी पुजारी जी होते हैं वो मंदिर की जब सारी सामग्री ले जाते हैं तो उसके साथ आपकी पूजन सामग्री भी उसी के साथ चली जाएगी। और कचड़े में जाने से बेटर है कि वो पूजन सामग्री किसी पवित्र नदी में जाए। तो बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आई होप कि आप लोग समझेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि बाकी के लोग भी जागरूक हो सकें। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने के लिए।